अतिक्रमण पर कार्रवाई के बाद दुकान बंद कर नगर निगम पहुंचे व्यापारी, निगम आयुक्त से की मुलाकात, पुलिस कप्तान से मुलाकात के बाद खोलेंगे अपने प्रतिष्ठान। आज ट्रैफिक इंचार्ज सुनीता गुजर और क्लॉक टावर थाना पुलिस SHO की उपस्थिति में कमंडसपुरा मदार गेट पर अतिक्रमण को लेकर हुई कार्रवाई से नाराज व्यापारी नगर निगम पहुंचे और अपना रोष प्रकट किया और निगम आयुक्त से मिले, जिनको उन्होंने शिकायत दी कि निगम द्वारा मौके के आदेश दिए गए थे कि 3 फुट तक अपना सामान व्यापारी जमा सकते हैं, उसके बावजूद आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसको लेकर निगम आयुक्त ने कहा कि कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई है, इसमें निगम का कोई हाथ नहीं है। और निगम आयुक्त ने यह कहा है कि अगर आपको 3 फुट तक सामान जमाने की मौखिक परमिशन मिली हुई है तो आप सामान जमा सकते हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पुलिस कप्तान से मुलाकात करने के बाद व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोल देंगे। जी, आज किससे मिलने आए हैं और किस संबंध? हम लोग मदागेट और कमंडसपुरा व्यापारी एसोसिएशन के सारे दुकानदार लोग अपनी दुकानें प्रतिष्ठान बंद करके निगम CEO मैडम से मिलने आए थे। उन्होंने हमारी बात हुई है अभी, तो उन्होंने जो हमारे को 3 फुट की जो मौखिक परमिशन दी हुई थी उनके लिए उन्होंने कहा कि दिवाली तक तो आप इस चीज़ को इसी रूप में रखें। तो अब जो आज सुबह TI सुनीता गुजर जी आई थी और उनको इन चीज़ की अज्ञानता थी, तो उनको उन्होंने हमें कुछ भी रखने को मना कर दिया और हम लोगों ने हमें प्रतिष्ठान बंद कर दिए। अब हम लोग CEO मैडम से मिलने के बाद हम अब SP कार्यालय जा रहे हैं, SP साहब से निवेदन करेंगे कि दिवाली तक हमको जो 3 फुट की परमिशन दी जाए और ट्रैफिक वालों को थोड़ा सा आदेश देके हमें सहयोग करें। दिवाली का मौका है, त्यौहार का मौका है, हमें निगम से पूर्ण सहयोग मिला है अभी और हम लोग अभी SP साहब के पास जाएंगे, उसके बाद अपने अपने प्रतिष्ठान खोल देंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोती जेठानी, अध्यक्ष क्लॉक टावर व्यापारिक संघ। मैडम ने यही कहा था कि कोई बात नहीं, अगर आपको मौखिक परमिशन है तो उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं, हमारी निगम की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक ट्रैफिक के संबंधित है, आप ट्रैफिक में जाके SP साहब से मिल लीजिए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। जिस तरीके से कार्रवाई की गई 3-3 फुट बाहर व्यापारी द्वारा निकल के, फिर भी आप असमर्थन रहा, क्या है सर? इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि नगर निगम से मौखिक आदेश हमें पिछले वर्तमान काल में मिल चुका है, मेयर साहब के द्वारा भी मिल चुका है कि जो दुकानदार 10 फुट पे माल रखा करता था 3 फुट पे सहमत हो गया था, जिसमें नगर निगम और व्यापारी ने बैठ के आपस में सुलह कर ली थी। आज ये हुआ कि सुनीता गुजर मैडम और कलेक्टर CI साहब ने जो है 3 फुट चबूतरे के ऊपर के तख्ते भी हटा दिए, काउंटर जो था उसको भी हटा दिया गया। दूसरी बात ये कि कार टू व्हीलर पार्किंग के लिए वहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, टू व्हीलर पार्किंग की लाइन नहीं तो आप कैसे किसी की गाड़ी जस्ट करके उठा सकते हो? बेसिक प्रॉब्लम ये है, आप दुकानों को जो कॉर्नर में उनको तो हटा देते हो सर, जो बीच के अंदर रोड के 40 फुट पे अतिक्रमण वेंडिंग जोन नो वेंडिंग जोन बने रखे उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? हर बार ऐसा क्यों होता है कि व्यापारी ही पीड़ित होता है, दुकानदार को ही क्यों पीड़ित किया जाता है हर बार? 3 फुट की मौखिक रूप से परमिशन मिली हुई है, वो भी आने वाले टाइम में आप उसे भी हटा देना, लेकिन सारी बीमारी एक साथ तो नहीं हट सकती, जो 15 फुट पे था वो आज 3 फुट पे है तो वो कॉपरेट कर ही रहा ना। ऐसे भी कई दुकानदार हैं जो 8 फुट पे रखते हैं, 10 फुट पे रखते हैं, 12 फुट पे रखते हैं, मैं सहमत हूँ, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। पहले मेरा कहने का मतलब ये कि आप पहले सबको 3 फुट पे ले आओ, 3 फुट के बाद आप 0 पे ले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना समय तो दो। जो बेचारा पहले 12 फुट था आज 3 फुट पे सहमत होकर आया हुआ है, आपकी कार्रवाई में वो भी पिस रहा है तो उसका 3 फुट रखने का फायदा क्या हुआ? वो तो 5 फुट या 8 फुट ही रख लेगा ना, जब उसको हटाना ही है तो फिर पूरा ही हटा लेगा उस समय आपके आने के बाद। हम ये चाहते हैं कि आपके आने की आवश्यकता नहीं पड़े और हम खुद अपने आप को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लें, उसके लिए आप हमें 3 फुट दे दें। अभी सारे व्यापारी, आज जो कार्रवाई हुई वो काफ़ी उग्र थी, उसके विरोध में सारे मदागेट कमंडसपुरा पड़ाव सब जने व्यापारी संगठन वाले नीचे खड़े हुए हैं और 5 प्रतिनिधियों ने मैडम से मुलाकात करी। मैडम ने आश्वस्त किया है कि दिवाली तक इस चीज़ में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके बाद जो भी है व्यापारियों के साथ बैठ के एक बार सुलह करके इसके पर विचार विमर्श किया जाएगा। अभी हम पहले SP साहब से मिलेंगे, SP साहब के क्या व्यय रहते हैं उनके बाद हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। आपका परिचय बताइए। विजय निच्चानी, कमंडसपुरा व्यापार संघ।